हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 200 ग्राम मैंगोज। अब श्यामा ने दो फ्रूट एप्पल और मैंगोज बॉट करे, कितने कितने एप्पल इस क्वांटिटी में और मैंगोज इस क्वांटिटी में। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। अब यहाँ पे दो जनों ने दो दो फ्रूट्स खरीदे हैं और उनकी क्वांटिटी हमें दी गई है। अब पूछा है हु बॉट मोर फ्रूट्स, अब किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे हैं। तो इससे ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ने दो दो खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले उन दोनों को एड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एक जने ने टोटल कितनी क्वांटिटी एड करी खरीदी है। जैसे श्यामा ने एप्पल और मैंगोज खरीदे तो हम इन दोनों को ऐड करके टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, श्यामा बॉट टोटल फ्रूट्स कितने ऐड करेंगे हम, 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 200 ग्राम। अब देखिए, अब आप इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो इन सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, या तो सबको ग्राम में, मतलब एक यूनिट बनानी होगी, या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं या सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, यहां पे हम पहले सारा कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 kg 300 ग्राम, तो 5 kg को हम 5 kg रखते हैं, 300 ग्राम क्या हो गया, देखिए 1 ग्राम आपका होता है 1/1000 kg, तो 300 ग्राम हो गया 300/1000, तो दैट मीन्स 0.3 kg। तो ये 5 kg और 300 ग्राम का क्या हो गया, 5.3 kg। 0.3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 5.3 kg। अब नेक्स्ट है हमारा 3 kg और 200 ग्राम, सिमिलर रहेगा, तो यहां पे 200 ग्राम क्या हो गया, 200/1000, 20 से 20 कट हो गए, तो दैट मीन्स 0.2 kg। तो 0.2 kg है और 3 kg हमारे पास पहले से ही है, तो ये हो गया 3.2 kg। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, 8.5 kg। मतलब श्यामा ने कितने फ्रूट्स बॉट करे हैं, 5.8 kg। अब नेक्स्ट है हमारा सरला, तो सरला ने क्या किया है देखते हैं, 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम। तो अब हम इन्हें भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 kg 800 ग्राम, तो 800 ग्राम को पहले कन्वर्ट करते हैं, 800 ग्राम क्या हो गया, 800/1000, तो 20 से 20 कट हुए, तो ये हो गया 0.8 kg। तो इससे क्या हो गया, 4 kg तो पहले से ही था, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 4.8 kg। अब नेक्स्ट क्या है, 4 kg 150 ग्राम, यहां मैंने 15 ही लिख दिया, ये है 150 ग्राम, 4 kg, ये मैं ऐसे यहां लाइन से इसलिए लिख रही हूं, थोड़ी जगह कम है,
आप अपनी नोटबुक में इसको पहले ही अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम 150 को कन्वर्ट करेंगे, 150 ग्राम इक्वल टू 150 अपॉन 1000, ये शायद यहां पे आ नहीं पा रहा है, इसको ऊपर कर लेती हूं मैं, यहां पे 150 अपॉन 1000 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, अब यहां पे दो जीरो है तो मतलब दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 0.15 केजी हो गया। कितना? 150 ग्राम का 0.15 केजी। अब हमारे पास 4 केजी पहले से ही था और 0.15 केजी और ऐड करना है, तो ये आंसर में हो गया हमारा 4.15 केजी। तो ये ऊपर वाले दोनों थे हमारे, श्यामा के और सरला ने, ये दोनों फ्रूट्स बॉट करे हैं 4.8 केजी और 4.15 केजी। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, यहां पे देख लेते हैं, 4.8 और 4.15। अब देखिए डेसिमल के नीचे बस डेसिमल लिखना है, उसके बाद जो नंबर्स है लिख दिए। अब यहां 8 है तो यहां पे एक जीरो और लगा लिया। डेसिमल के बाद नंबर्स लिखने के बाद आप डेसिमल के राइट साइड में कितने भी जीरो और लगाते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको ऐड करा 5, 9, 8, तो इसने कितने बॉट करे, 8.95 केजी। अब देखिए यहां पे श्यामा ने करे 8.5 और यहां पे हुए 8.95 केजी। तो अब देखिए 8-8 केजी दोनों में है, फिर 10th प्लेस पे क्या नंबर है, यहां 5 है यहां 9 है, दैट मीन्स सरला ने ज्यादा फ्रूट्स बॉट करे हैं बजाय किसके, श्यामा के। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, सरला बॉट मोर फ्रूट्स।